पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि शिविर का आज पांचवा दिन था। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में जनता ने सेवाओं का लाभ लिया। खंडवा में सिंधी धर्मशाला में जारी एक्यूप्रेशर सुजोग कंपिंग चिकित्सा शिविर सफलता के नए आयाम छू रहा है। 7 दिवसीय शिविर में पांचवें दिन शनिवार को भी बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने आकर अपनी शारीरिक समस्याएं बताई और चिकित्सा का लाभ लिया। निर्धारित समय सुबह और शाम में भी लाभार्थियों का आगमन जारी रहा। उल्लेखनीय है कि पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गेहीराम सितलानी, सिंधी सेवा मंडली के अध्यक्ष मेठाराम पिंजानी, पूज्य सिंधी पंचायत पदानगर के अध्यक्ष शंकरलाल तीर्थानी, पूज्य सिंधी पंचायत सिंधी कॉलोनी के सचिव श्याम हेमवानी, विशेष सलाहकार नरेंद्र लदानी, रेडीमेड वस्त्र विक्रेता संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंचलानी सहित विभिन्न समाज सेवी भी शिविर की चिकित्सा शैली का लाभ ले रहे हैं। 22 दिसंबर को इस शिविर का समापन होगा। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।